हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि एनसीईआरटी का यूनिट 4 रिप्रोडक्शन का ये फर्स्ट चैप्टर है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइफ स्पेन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सो लाइफ स्पेन, मैंने लाइफ स्पेन को क्या डिफाइन किया जाता है। सो लाइफ स्पेन कहलाता है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ नोन एज लाइफ स्पेन। इसमें बर्थ से लेके ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल के नेचुरल डेथ तक को लाइफ स्पेन कहा जाता है। नेचुरल डेथ वही माना जाता है लाइफ स्पेन। ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल हुआ, जन्म लिया और किसी रीजन से, किसी बीमारी से या फिर किसी एक्सीडेंट से उसका डेथ हो गया तो वो लाइफ स्पेन उस ऑर्गेनिज्म का हो जाएगा। नहीं, जब वो जन्म लिया और उसके बाद जो उसका नेचुरली डेथ हुआ वो उसका लाइफ स्पेन कहलाता है, उस इंडिविजुअल का और उसके ऑर्गेनिज्म का। और साथ में एनसीईआरटी ने ये भी बताया है कि जो लाइफ स्पेन है वो मैटर नहीं करता उस ऑर्गेनिज्म के साइज़ के अकॉर्डिंग। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म का साइज हो, मतलब साइज़ उसका छोटा है तो लाइफ स्पेन छोटा हो या फिर साइज़ बड़ा है तो लाइफ स्पेन बड़ा हो। नहीं, उसके लाइफ स्पेन उसके साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है। और नो इंडिविजुअल इज़ इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स कि कोई भी इंडिविजुअल इमोर्टल नहीं है। जो भी जन्म लेते हैं उनका डेथ होना निश्चित है। उनका एक सर्टेन लाइफ स्पेन होता है जिसको वो जीते हैं और नेचुरली उनका डेथ होता है या फिर किसी भी रीजन से, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ तो उनका डेथ होना निश्चित है। कोई भी इमोर्टल इस दुनिया में नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। जैसे कि अमीबा का सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम ही है कि वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, फिर दोनों न्यू इंडिविजुअल की तरह जन्म लेते हैं तो उनका डेथ नहीं होता है। हमारा जो एनसीईआरटी है वो कुछ लाइफ स्पेन के बारे में क्वेश्चन दिए हुए था, जैसे कि कुछ लाइफ स्पेन उन्होंने पूछा है बुक में, तो मैं वो लाइफ स्पेन आपको बता देती हूँ। एलिफेंट का लाइफ स्पेन होता है 60 to 90 ईयर, रोज 5 to 7 ईयर, डॉग 20 to 50 ईयर, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक, क्रो 15 ईयर, बनाना ट्री 25 ईयर, काउ 20 to 25 ईयर, पैरोट 140 ईयर, क्रोकोडाइल 60 ईयर, हॉर्सेज 60 ईयर, फ्रूट फ्लाई 30 डेज, राइस प्लांट 3 to 4 मंथ, टॉर्टोइज 100 to 150 ईयर, बनाना ट्री इज 200 ईयर। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? Reproduction is a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. Means reproduction के through organism अपने young ones को जन्म देते हैं। वो young ones अपने parent के similar होते हैं, बट ध्यान रहे वो similar होते, identical नहीं। Now the question is कि reproduction क्यों important है? तो रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। एक स्पेसीज को अपने कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए इस दुनिया में और इस अर्थ पे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे इम्पॉर्टेंट है कि उनका जीन ट्रांसफ़र हो, तो रिप्रोडक्शन उसी में हेल्प करता है। नाउ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल और वी कैन से अ सिंगल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। और इसका रिजल्ट ये होता है कि ये जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट के सिमिलर भी होते हैं और आइडेंटिकल भी होते हैं। इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही न्यू ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है और इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती। इसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, गैमेट फ्यूजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस मेथड टू पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस। मतलब कि इसमें दो गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि फ्यूज करके के न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं और जायगोट बनाते हैं। इस मेथड में दो पेरेंट सेल जरूरी होते हैं, दो पेरेंट जरूरी होते हैं एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए दो पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट के कारण दो डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट इन्वॉल्व होता है, जिससे कि ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं अपने पेरेंट के बट सिमिलर होते हैं। मतलब सिमिलर इन मीन कि उनके जैसे देखने वाले, जैसे आदमी का बच्चा आदमी, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, घोड़े का बच्चा घोड़ा, ऐसे होते हैं। आइडेंटिकल कहा जाता है कि वो जीन लेवल पे सिमिलर हो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो उनके जीन लेवल पे सिमिलर, मतलब दोनों का जीन का जो अरेंजमेंट होता है वो एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होता है। सो अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और वर्ड आता है कोलोन।
कोलोन क्या होता है? कोलोन, जैसे कि हम जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में, वहाँ कोई गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो जो ऑफस्प्रिंग है वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के. सो उसी ऑफस्प्रिंग को कोलोन कहा जाता है. द टर्म कोलोन इज़ यूज टू डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, मतलब कि वो ऑफस्प्रिंग जो अपने पेरेंट्स से मॉर्फोलॉजिकल, मतलब बाहर से देखने में, जैसे कि जो उनके ऑफस्प्रिंग जैसे दिखते, उनके पेरेंट्स जैसे दिखते हैं वैसे ही उनके ऑफस्प्रिंग भी दिखेंगे, प्लस जेनेटिकली मींस कि जीन लेवल पे भी वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, उसको कहा जाता है कोलोन. हाँ, अब बात आती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किसमें किसमें है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में एंड एनिमल जो कि सिंपली ऑर्गेनल सेल से बने होते हैं उनमें होता है. अब टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप्स होते हैं. सो सेल डिवीजन, बर्डिंग, बाइनरी फ्यूजन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये टाइप्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. सो अब हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन. सेल डिवीजन क्या होता है? तो प्रोटेस्टा और मोनेरा में, इन प्रोटेस्टा एंड मोनेरा ऑर्गेनिज्म और वी कैन से पेरेंट सेल डिवाइड इंटू टू टू गिव राइज द न्यू इंडिविजुअल्स. मीन्स पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होते हैं दो पार्ट में और दोनों पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल की तरह सर्वाइव करने लगते हैं, एक दो न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं, इसको कहते हैं सेल डिवीजन. अब हम बात करेंगे बर्डिंग की. इन ईस्ट डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म. ईस्ट में जो डिवीजन होता है पेरेंट सेल का वो अनइक्वल होता है. इसमें पहले एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो कि पेरेंट सेल से अटैच्ड रहता है तब तक जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाए. जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो पेरेंट सेल से डी अटैच्ड होके एक न्यू इंडिविजुअल की तरह सर्वाइव करता है. अब हम देखते हैं कि बर्डिंग में एग्जैक्टली होता क्या है. बर्डिंग हम जानते हैं कि ईस्ट में होता है. सो ईस्ट पहले एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, देन जो उसके न्यूक्लियस होते हैं वो दो पार्ट में ब्रेक करते हैं. उसके बाद जो एक न्यूक्लियस है वो बर्ड में मूव कर जाता है. देन कुछ टाइम के बाद वो जो बर्ड सेल मैच्योर हो जाता है तो वो अपने पेरेंट्स पार्ट से डी अटैच्ड होके एक न्यू इंडिविजुअल की तरह सर्वाइव करता है. अब हम बात करते हैं बाइनरी फ्यूजन की. मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन वेयर अ सेल डिवाइड इंटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इंटू एन एडल्ट. एग्जाम्पल अमोइबा. जब पेरेंट सेल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो एंड दोनों पार्ट एक इंडिविजुअल की तरह ग्रो करे उसे बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, जैसे कि अमीबा में होता है. अब हम देखते हैं कि अमीबा में डायग्राम की क्या होता है. अमीबा में पहले न्यूक्लियस का इलोंगेशन होता है, जिसे कि वो सेकेंड स्टेप यहाँ पे शो कर रहा है, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस. देन उसके थोड़े देर बाद ब्रेकडाउन होने से पहले ही उनका जो ये जो साइटोप्लाज्म है वो भी इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाता है. देन थर्ड पार्ट में हमें दिखा रहा है कि वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो चुका है और इस पार्ट को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू टू पार्ट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस. आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और उस प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है. और देन अमीबा डिवाइड होकर दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है और दोनों डॉटर सेल एक न्यू इंडिविजुअल की तरह सर्वाइव करते हैं. अब हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की. इन फंजाई एंड सिंपल प्लांट लाइक एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. मींस कि फंजाई और एल्गी में ये स्पोर फॉर्मेशन होता है जिससे कि वो एक स्पेशल काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, सच एज जू स्पोर, अ टाइप ऑफ स्पोर विच इज़ माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल इन नेचर. जू स्पोर क्या होता है? तो जू स्पोर एक मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर है जिसमें कि वो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू वो लोकोमोशन कर पाते हैं. इसको स्वार्म स्पोर भी कहा जाता है. कोनिडिया क्या है? तो कोनिडिया स्पोर जो है वो ड्राई चेन के टिप पे प्रोड्यूस होता है. इस प्रोडक्शन में जो यंगेस्ट स्पोर होता है वो बेस पे रहेगा और कोनिडिया स्पोर हमेशा ग्रीन कलर का होता है. अब हम बात करते हैं बर्ड इन हाइड्रा. सो बर्ड क्या है? तो स्मॉल बर्ड लाइक प्रोजेक्शन होता है हाइड्रा में. बर्ड का डेवलपमेंट जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल के डिविजन्स के कारण एक स्पेसिफिक साइट पे होता है. ये बर्ड मैच्योर होके
अपने पेरेंट सेल से और पेरेंट प्लांट से डीअटैच्ड होता है और एक न्यू इंडिविजुअल की तरह ये ग्रो करता है। अब हम बात करते हैं गेम्यूल्स इन स्पॉन्ज। गेम्यूल्स जो है वो इंटरनल बर्ड होता है, ये स्पॉन्ज के इनर साइड में प्रेजेंट होता है, वहीं पे डेवलपमेंट होता है, ये एक मास लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये एक न्यू इंडिविजुअल की तरह ग्रो करता है। नाउ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर आता है। अब व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। इन प्लांट, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम द फ्रैगमेंट ऑफ द पेरेंट प्लांट और स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मीन्स पेरेंट के किसी पार्ट से या किसी स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन से न्यू प्लांट का ग्रो होना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। नाउ टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देयर आर सम टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सच एज रनर, रनर जो कि स्ट्रॉबेरी में होता है, राइजोम जिंजर में, सकर बनाना में, ट्यूबर पोटैटो में, ऑप्सेट डेट पाल्म में, बल्ब ओनियन में, और लीफ बर्ड जो कि ब्रायोफाइलम में होता है। ब्रायोफाइलम लीफ, ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस कैसे करता है? तो वो अपने लीफ के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ये क्वेश्चन भी होता है कि वो कौन सा प्लांट है जो अपने लीफ से रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो ब्रायोफाइलम लीफ होते हैं जो कि अपने लीफ से अपना रिप्रोडक्शन और न्यू इंडिविजुअल्स न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। होप यू गाइज लाइक इट एंड थैंक फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।